अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में स्टॉक आइटम्स बनाना और उन्हें स्टॉक ग्रुप्स के साथ देखना। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने आपको मास्टर्स के अंतर्गत क्रमशः लेजर्स, स्टॉक ग्रुप्स और यूनिट बनाना, उन्हें ऑल्टर करना, साथ ही उन्हें डिलीट कैसे करते हैं ये बताया था। स्टॉक आइटम्स के बारे में बताने से पहले एक निवेदन है, आपको सिर्फ वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं, तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक आइटम्स क्या है। स्टॉक आइटम्स से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिनका आप व्यापार करते हैं या निर्माण करते हैं या निर्माण के लिए कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं। हमने मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस में बताया था कि व्यापार में हमें किसी का भी अकाउंट यानी हिसाब किताब रखने के लिए उसका खाता यानी लेजर बनाना होता है। ठीक उसी तरह हम जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनका भी हिसाब रखना होता है। हिसाब रखने से ही हमें ये जानकारी मिल पाती है कि हमने कौन सा माल खरीदा, कितना खरीदा, किस भाव में खरीदा, कितना बेचा, किस भाव में बेचा, कितना स्टॉक बचा है इत्यादि। और यही कारण है कि हम लेजर्स की तरह ही स्टॉक आइटम्स भी बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि जिस तरह हमने आपको मास्टर्स के अंतर्गत लेजर्स क्रिएट करने के बारे में बताया था, बिल्कुल वही प्रोसेस स्टॉक आइटम्स के लिए भी है। फिर भी हम आपको शॉर्ट में इसे समझा देते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के लिए हमें मास्टर्स हेडिंग के अंतर्गत क्रिएट में जाना होगा। उसके लिए सी प्रेस करें। अब यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहे इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करें। ये देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। नेम के आगे स्टॉक आइटम का नाम टाइप करें, जैसे हमने टाइप किया ओनिडा टीवी 20 इंचेस। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। अंडर में आप इस स्टॉक आइटम को जिस भी मेन ग्रुप या सब ग्रुप में रखना चाहते हैं उसका नाम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सिलेक्ट कर लें। चूंकि ये आइटम ओनिडा टीवी ग्रुप के अंतर्गत आता है, इसलिए हम ओनिडा टीवी सिलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। यूनिट्स के आगे यूनिट्स की छोटी विंडो आ रही है। यदि आपने पहले से यूनिट बना रखी है तो उसे सिलेक्ट करें, और यदि नहीं बनाई है तो ऑल्टर और सी प्रेस करके या यहाँ दिखाई पड़ रहे क्रिएट पर क्लिक करके आप यूनिट बना सकते हैं। हमने पहले से NOS यानी नंबर्स की यूनिट बनाई हुई है, तो हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर यदि इस आइटम का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो आपको लिखना होगा। आइए पहले ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग स्टॉक को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यवसायी मैनुअल अकाउंटिंग करता है और उसने फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष के बीच में या किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रारंभ कर दी, तो मैनुअल अकाउंटिंग में उसके स्टॉक आइटम्स के जो भी क्लोजिंग बैलेंस होंगे वे कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कोई व्यापारी 31 मार्च 2020 तक अपने यहाँ मैनुअल अकाउंटिंग करता था और उसके पास 31 मार्च 2020 को अलग अलग कंपनी के 50 टीवी स्टॉक में थे, तो ये उसका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और अब उसने 1 अप्रैल 2020 से अपने यहाँ कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू कर दी,
तो 31 मार्च 2020 के मैनुअल अकाउंटिंग के स्टॉक आइटम्स के जो भी क्लोजिंग बैलेंस होंगे, जैसे कि यहाँ उसके पास 50 टीवी थे तो वो कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे और वे सभी बैलेंस उसे कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू करने के पहले स्टॉक आइटम्स बनाते समय अपने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में लिखना होंगे। हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पर समझने के लिए यहाँ हमने क्वांटिटी में 10 टाइप कर दिया है। एंटर प्रेस करें। यहाँ हमें माल का जो भी खरीद भाव है वो टाइप करना होगा। एंटर प्रेस करें। देखिए हमारे ओपनिंग बैलेंस की टोटल वैल्यू आ गई है। कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करके हम इसे स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यदि आप चाहें तो दूसरे आइटम का खाता भी इसी तरह खोल सकते हैं। हम एस्केप की सहायता से वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। अभी हमने एक समय में एक यानी सिंगल स्टॉक आइटम बनाना सीखा। आइए अब देखते हैं कि एक ही समय में एक से अधिक यानी मल्टीपल स्टॉक आइटम्स कैसे बनाते हैं। उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा, जिसके लिए हम H की प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ से इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करें। यहाँ से मल्टी मास्टर्स के लिए ऑल्टर और H कीज को प्रेस करें। ये देखिए लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स आ रही है। इसमें से मल्टी क्रिएट सिलेक्ट करें। मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। यहाँ हम दो तरीके से स्टॉक आइटम्स बना सकते हैं। पहला, यदि आप किसी एक स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले बैकस्पेस की प्रेस करें। ऐसा करते ही राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ जाएगी। अब आपको अंडर ग्रुप में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से वो ग्रुप सिलेक्ट करना होगा जिसके अंतर्गत आप स्टॉक आइटम्स बनाना चाहते हैं। हम यहाँ सब ग्रुप LG टीवी के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स बनाना चाहते हैं, तो हम LG टीवी सिलेक्ट कर रहे हैं। एंटर करते हुए आगे बढ़ें। नेम ऑफ आइटम में LG टीवी 20 इंचेस टाइप कर रहे हैं। ये एंटर प्रेस किया। देखिए अंडर में LG टीवी लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर अंडर ग्रुप में LG टीवी सिलेक्ट किया था। यूनिट्स में हम NOS यानी नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, फिर भी समझने के लिए हम ओपनिंग क्वांटिटी में 15 लिख रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर उसका परचेस रेट डालकर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए अमाउंट में स्टॉक आइटम्स का पूरा मूल्य आ गया है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। हम LG टीवी 30 इंचेस का एक स्टॉक आइटम और बना लेते हैं और इसी तरह आप चाहें तो ऊपर चुने हुए ग्रुप में और भी स्टॉक आइटम्स बना सकते हैं। हम कंट्रोल और ए कीज की सहायता से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम्स बनाने का दूसरा तरीका। इसमें हम एक ही बार में अलग अलग ग्रुप्स के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स बना सकते हैं। उसके लिए हम ऑल्टर और एच कीज को प्रेस कर रहे हैं। यहाँ से मल्टी क्रिएट सिलेक्ट करें। यहाँ अंडर ग्रुप में ऑल आइटम सिलेक्ट करना होगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। नेम ऑफ आइटम में आइटम का नाम लिखें। हम टाइप कर रहे हैं ओनिडा टीवी 30 इंचेस। एंटर प्रेस करें। अब यहाँ आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आइटम से संबंधित ग्रुप का नाम सिलेक्ट करना होगा। हमने सिलेक्ट किया ओनिडा टीवी। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद अब यूनिट सिलेक्ट करना होगी। अब यदि कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो डालते हुए आगे बढ़ें। हम एक स्टॉक आइटम सैमसंग टीवी 20 इंचेस का और बना लेते हैं। यहाँ सैमसंग टीवी सब ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने स्टॉक आइटम में डेल लैपटॉप मॉडल 111 टाइप किया। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि हम जिस ग्रुप में ये स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं वो ग्रुप हमने बनाया ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आप ऑल्टर और सी कीज को प्रेस करके भी ग्रुप या सब ग्रुप बना सकते हैं। हम ऑल्टर और सी प्रेस कर रहे हैं। देखिए ये स्टॉक ग्रुप क्रिएशन विंडो आ गई है। जैसा कि हमने आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने वाली वीडियो में बताया था, उसी तरह आप यहाँ ग्रुप बना सकते हैं। हम यहाँ पर डेल लैपटॉप के नाम से सब ग्रुप बना रहे हैं और यहाँ अंडर में हम लैपटॉप
जो कि हमारा मेन ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब कंट्रोल और ए की से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए डेल लैपटॉप मॉडल 111 के बाद अंडर में हमने अभी जो ग्रुप बनाया था उसका नाम दिखाई पड़ रहा है। अब यूनिट सिलेक्ट कर लें और एंटर प्रेस करें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने नेम ऑफ आइटम में किसी आइटम का नाम टाइप कर लिया और आगे बढ़ गए। फिर हमें लगा कि हमें ये स्टॉक आइटम नहीं बनाना है। ऐसी स्थिति में बैकस्पेस की प्रेस करके नेम ऑफ आइटम पर आ जाएं और डिलीट की से आइटम का नाम डिलीट कर दें और उसकी जगह पर कोई अन्य स्टॉक आइटम बनाना हो तो वो बना लें। हमने कुछ और स्टॉक आइटम्स और उनके स्टॉक ग्रुप्स अपनी जरूरत के हिसाब से बना लिए हैं। अब कंट्रोल और ए की से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो स्टॉक ग्रुप्स बनाए थे और इस वीडियो में जो स्टॉक आइटम्स बनाए हैं उन्हें एक साथ कैसे देख सकते हैं। ये देखिए अभी हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर हैं और यहीं से हम आगे गए थे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के नीचे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने जो प्राइमरी यानी मुख्य ग्रुप्स बनाए थे वो दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद उन प्राइमरी ग्रुप्स में हमने जो सब ग्रुप्स बनाए थे वो दिखाई पड़ रहे हैं और उन सब ग्रुप्स के अंतर्गत जो स्टॉक आइटम्स बनाए थे वो दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आपको इस लिस्ट में किसी ग्रुप, सब ग्रुप या स्टॉक आइटम में कहीं कोई गलती दिखती है तो उसे ठीक करने यानी ऑल्टर करने के लिए उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। समझने के लिए हम इस स्टॉक आइटम पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन विंडो आ गई है। आप यदि कुछ चेंज करना चाहें जैसे नाम, ग्रुप, यूनिट, ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ से कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, जिन स्टॉक आइटम्स में आपने ट्रांजैक्शंस कर लिए होंगे उनकी यूनिट्स चेंज नहीं कर सकते। स्टॉक आइटम्स को अल्टर कैसे करते हैं ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अभी हम एस्केप की सहायता से पहले वाली विंडो पर चलते हैं। यहाँ हम F5 की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, अब स्टॉक आइटम्स बनाते समय हमने जो भी डिटेल्स दी थी वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ से यदि आप कुछ भी अल्टरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। हम फिर से F5 की प्रेस कर रहे हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दें, यदि आप टैली में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और उस दौरान यदि आप कोई नया मास्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी हमने जो ऑप्शन समझे वे गो टू में भी मिलते हैं। इस वीडियो में हमने सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम्स बनाना बताया। अगली वीडियो में हम इन्हें ऑल्टर और डिलीट कैसे करते हैं ये बताएंगे और उसके बाद वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर क्या हैं और उनमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं।